विभा जी ने क्या बढ़िया प्रेम की कविताएं सुनाई। बैठिए साहब, मैं तो बस 5-7 मिनट बोलूंगा, बस कोई बात। अच्छा, मेरे ही काम से गए। अगर वैसे जाते तो बंद मोबाइल कान के लगा के जाते, क्योंकि अदब की महफिल से उठ के जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मोबाइल बंद कान से लगा के जाता है। एक जमाना था साहब, मैं भी जब प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था, जब तक अक्कलदार नहीं निकली थी, उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता था, भले ही वो उबासी मुझको देख करके ले रही होती थी। और एक निवेदन कर दूं, बड़ी संख्या में माताएं बहनियां बैठी हैं, भाई लक्ष्मीकांत जी ने बेटियों को लेकर के बड़ी अच्छी रचना सुनाई। एक निवेदन कर दूं, प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकती। बात अच्छी लगे तो महिलाओं को ताली बजानी है, पुरुषों की तो खिलाफ बोल रहा हूं मैं। प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता बदल ही नहीं सकती। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी औरत मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। लेकिन इतना भी तय है कि शादी होते ही प्यार का बुखार उतर जाता है। जैसे ही ब्याह की कुनेन खाई, प्यार का मलेरिया गायब। मेरे एक मित्र ने प्रेम विवाह किया, प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे हैं। और ताली तो इस बात पर बजाओगे, जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता है। शादी के 3 दिन बाद मिला, मैंने कहा नया नया प्रेम विवाह किया, पत्नी को लेकर सिनेमा जा, सैर सपाटा कर क्या मंदिर मंदिर भटकता है। बोले भाई साहब, सुना है जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढना है। ये बहुत त्याग और समर्पण का काम है प्यार मोहब्बत। आदमी को अपना कैरियर तक दांव पर लगाना पड़ता है। मैं ऐसे कई को जानता हूँ जो कॉलेज के जमाने में मेरे साथ पढ़ते थे, जिन्होंने अपने बाप की गाड़ी कमाई से प्रेमिकाओं को जलेबी खिलाई, आजकल शहर के नामी हलवाई बने हुए। और मेरे मित्र का त्याग तो प्रेम के मामले में बुद्ध से भी बड़ा। बुद्ध अपनी पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़कर चले गए थे। वो रोज रात को इंतजार करता कि लुगाई सोए तो घर में घुसूं। और देखो, आपने हिंदी का एक अच्छा कवि सम्मेलन करवाया, भारतीय भाषाओं की क्या स्थिति है? अच्छा, मुझसे तो कौन प्रेम करती? मैंने हिंदी से एमए किया, हिंदी का विद्यार्थी था, तो कौन प्रेम करती भाई? मरते हुए पे कौन मरेगा? लेकिन मेरे साथ दो चीजें ठीक थी। एक तो मैं साहित्य का विद्यार्थी था तो भाषा अच्छी थी, दूसरा मैंने ट्रकों से शेरो शायरी उतार रखी थी, तो प्रेम करने वाले मुझसे प्रेम पत्र लिखवाते थे। और मैं जिसके प्रेम पत्र लिख देता था, उसके दो नतीजे जरूर निकलते थे, या तो उसकी शादी हो जाती थी या फिर वो पिटता था। हालांकि बात एक ही है, आज भी कई मिलते अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जो मेरे प्रेम पत्रों की वजह से बहे गए, मुझे देखते ही दांत पीसते हैं कि नालायक जॉर्ज बुश एक अच्छी खासी अमेरिकी फौज को इराक में उलझा दिया। हिंदुस्तानी आदमी आम दिन तो छोड़ो, 14 फरवरी को वेलेंटाइन डे आता है, उस दिन तक सुख से प्रेम नहीं कर सकता। 14 फरवरी को श्रीराम सेना वाले तो ये कह देते हैं कि जो भी प्रेम करता हुआ मिला उसको पीटेंगे, और सरकार पुलिस को ये कह देती कि देखो इस दिन कोई प्रेम से वंचित नहीं रह जाए। जो प्रेम करते हुए मिलते हैं उनको तो श्रीराम सेना वाले पीटते हैं, जो नहीं करते उनको पुलिस वाले पीटते हैं। ये वेलेंटाइन डे वगैरह हैं क्या? मेरे ख्याल से वेलेंटाइन डे एक सोने का हिरण है, जिसे बाजार के जंगल में उन कंपनियों ने छोड़ रखा है जो धनुष बाण का बिजनेस करती। कबीर को, सूर को, तुलसी को, मीरा को पढ़ो तो पता लगे प्रेम दर्शन का विषय, प्रदर्शन का विषय नहीं है। जिन नौजवानों के कंधों पर चुनौतियां हैं, देश की, समाज की, परिवार की, कैरियर की, एक निवेदन कर दो, कोई प्यार मोहब्बत जैसी बात नहीं। ये मीडिया, सोशल मीडिया, ये सब खेल करते रहते हैं, समय बदल गया।
समा का स्थान ट्यूबलाइट ने ले लिया, परवाना जलने की गरज से जाता है तो चिपकली खा जाती है। तो जो देश में मुद्दे हैं, जो चुनौतियां हैं, जो जीवन संघर्ष है, उनकी बात की जानी चाहिए। राजनीति पर विशेष अब क्या कहें। पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में मैं बैठा था, सामने तो एक नेता बैठे थे विधायक, मुझे पता नहीं था किस पार्टी के थे, मैंने ऐसे ही कह दिया, मैंने कहा साहब कांग्रेस में है क्या? बोलो नहीं बीजेपी में है, कांग्रेस में घंटे भर पहले थे। पता नहीं लग रहा कौन किधर से आ रहा है किधर जा रहा है। अच्छा मुझे इन भाजपा में भी तरस आता है भाई, एक तरफ तो आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहते हो और फिर भी आप कांग्रेस में इतनी तोड़फोड़ कर रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में कमी है। अगर ऐसे ही एक भाजपा ही कांग्रेस में तोड़फोड़ करते रहे, अपने में मिलाते रहे, तो हो सकता है 2024 में बीजेपी का चुनाव चिन्ह हो हाथ के पंजे में कमल का फूल। असली संकट है आइडियोलॉजी का, क्योंकि दुनिया तो विचार से बदलती है, उसी का संकट है। लेकिन मोदी जी अब इस इंडिया को इतना डिजिटल करके छोड़ेंगे कि ये इस तरह की चीज़ें खरीद बिक्री ये सब अब थोड़े दिन की बातें हैं। ये जितने भी भ्रष्ट और लालची नेता हैं ये थोड़े दिन बाद आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे, और बूढ़े और रिटायर्ड नेता भी निराश न हो वो अपने आप को OLX पर डाल सकते हैं। ये सारी चीजें एक रचना मैं आपको सुनाता हूं। शरद जोशी जी को आप में से किसी ने सुना नहीं होगा, YouTube पे आप टाइप करना शरद जोशी जी के कुछ एक ऑडियो होंगे, एक आध वीडियो भी होगा, KP सक्सेना जी की शायद एक आध रचना होगी। वो मंच पे गद्य पढ़ते थे और उसके बाद तीसरा मैं हूं, और उन्होंने भी कोशिश की, उतने सफल नहीं हो पाए, मैं थोड़ा सा चल निकला, बाकी सब कविताएं पढ़ते हैं, मैं गद्य पढ़ता हूं, अंग्रेजी में जिसको प्रोज कहते हैं, उर्दू में जिसको नसर कहते हैं। अब मैं आपको एक दो लघु कथाएं सुनाता हूं, फिर एक रचना आपको सुनाता हूं। गद्य सुना करके भी इस तरह से अपनी बात कही जा सकती है। सदाचार। पिता बिजली विभाग में है और पुत्र जलदाय विभाग में, दोनों ने शहर की एक कॉलोनी में बराबर ही में अपना अपना नया मकान बनवाया है। पिता को मकान में नल कनेक्शन चाहिए और पुत्र को बिजली कनेक्शन। जब तक पिता घूस नहीं देगा बेटा उसके यहां नल नहीं लगने देगा। जब तक बेटा घूस नहीं देगा पिता उसके यहां बिजली कनेक्शन नहीं होने देगा। और जैसे विभाजी के मुक्तक में अंतिम पंक्ति में आनंद आता था, वैसे ही लघु कथा में भी समापन पे आनंद आता है। पिता पुत्र में जूतम पैजार चाहे हजार होती हो, किंतु भारतीय संस्कारों में अभी इतनी गिरावट नहीं आई है कि पिता पुत्र ही आपस में रिश्वत मांगने लगे। सो बेटा बिजली की चोरी करता है और बाप पानी की। उदारीकरण क्या है? ग्लोबलाइजेशन। मैं समझता हूं कि प्रेमचंद ने जिसको महाजनी सभ्यता कहा था उसी का वैश्विक और जो भयंकर विकराल रूप है वो ग्लोबलाइजेशन है। आप चूंकि देश के एक प्रतिष्ठित समूह से जुड़े हैं तो उसके नतीजे आपने महसूस करने शुरू कर दिए होंगे, निजीकरण के, वैश्वीकरण के, ग्लोबलाइजेशन के। तब आप देखें, छोटी सी लघु कथा, ये थोड़ी विचारणी है। ग्लोबलाइजेशन। महल के मुख्य द्वार की दिशा में अपार जनसमूह का शोर सुन राजा राम ने लक्ष्मण से प्रश्न किया, ये कैसी आवाजें आ रही अनुज, कौन लोग होंगे? उत्तर मिला, भगवान सब अयोध्यावासी ही हैं। जब से राज्य में ग्लोबलाइजेशन आया है प्रत्येक नागरिक धनुष बाण खरीदने को लोन लेना चाहता है ताकि वह भी सोने का हिरण मार सके। मीडिया ने तो हद कर रखी है, एक आदमी कदम ताल करता है तो मीडिया उसको मार्च पास्ट बताता है। जिस मीडिया को जनता के लिए मोमबत्ती होना चाहिए वो सत्ता के लिए अगरबत्ती का काम कर रहा है। यहां का मुझे पता नहीं, हमारे यहां तो अखबार तीन चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं, बिजली कटौती, उठावना और राशिफल, और रोज नए निकलते हैं। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से दो लोग आ गए, बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ, क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। एक रुपए में 16 पेज, और जो मैंने जवाब दिया एक रुपए में 16 पेज, मैंने कहा भैया रुपया चाहे एक की जगह दो ले जाए लेकिन 16 पेज खाली दे जाया कर।
फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे, तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोलो संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ, जी आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई ओकर नहीं बांटता, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। और टेलीविजन में प्राइम टाइम पे भैंस देखते हो, किसी जमाने में जैसे अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे, चार जन भैंस ही आते हैं, एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। और आपकी मोहब्बत अब मिलेगी, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला भैंस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। तो ताज भोपाली का एक शेर है इस मीडिया की गैर जिम्मेदारी के लिए, शायद उन्होंने कभी कहा होगा कि तुम्हारी बज्म के बाहर भी एक दुनिया है, तुम्हारी बज्म के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। उसको खबरिया चैनल कहते हैं जो खुद से बेखबर है। तब एक लघु कथा देखें, ब्रेकिंग न्यूज। आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले ही होने को थी पर न्यूज क्रांति हो चुकी थी। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं गढ़ते थे और देते नहीं फैलाते थे, ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। अब कथा यहां से शुरू होती है। एक दिवस जू ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, त्यू ही एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दागी, राजा नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने नई जानकारी दी, राजा पहली बार नहाया। पांचवें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। और अब आपकी तालियां उठेंगी, छठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। सातवें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया। आठवें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। नवें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, राजा स्नान घर में नहाया। और अंतिम है, दसवें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। मेरे एक चीज समझ में नहीं आई कि संकीर्णताएं सतह पर हैं और नाम उदारीकरण। इतनी संकीर्णताएं पहले कभी नहीं थी। हमने वो दौर भी देखे तमाम राजनीति के, हो सकता है कि बड़े पदों पर बैठे हुए लोग उतने संकीर्ण न हों, लेकिन उनकी गुड बुक में आने के लिए नीचे वाले लोग जो करते हैं वो देश को सही दिशा में नहीं ले जा रही वो सारी चीज़ें, क्योंकि दुनिया तो मोहब्बत से चलती है। जंगल में जब आग लगती है तो न तो वो बरगद बच पाते हैं जो हवा को आंधी में बदलते हैं, और न वो बांस बच पाते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। नुकसान सबका होता है। मेरे यही समझ में नहीं आई, घर में जब कलह होगी तो हम तरक्की कैसे करेंगे? अशांति और कलह नहीं होनी चाहिए। वो जो एक रिचनेस होती है, जैसे वाजपेयी जी थे, सामने बैठते थे, कवि लोग मजाक करते थे, तीन बार सरकार बनाई, तीनों बार बहुमत नहीं मिला, तो कवि मजाक करते थे, वो ठहाका लगाते थे, बोले जिसे बहू नहीं मिली उसे बहुमत कैसे मिलेगा। अपने घर पे कवि सम्मेलन करा के ये सारी चीजें सुनते थे। जीएम साहब जब वो यूएनओ में भाषण दे के आए, एक हाजिर जवाबी देखिए कि बात ऐसे भी की जा सकती है, डंडे ही नहीं फटकारे जाते। यूएनओ में जब वाजपेयी जी भाषण दे के आए तो किसी ने उनसे मजाक की, हिंदी में भाषण दे के आए तो दुनिया में ये लगा भाई हिंदुस्तान का हिंदी का बड़ा डंका बज गया। तो किसी ने मजाक कर दी, बोले वाजपेयी जी आप हिंदी का इतना सब करके आए लेकिन हिंदी में ईमानदार शब्द तो है ही नहीं, अगर आपको हिंदी में ईमानदार लिखना है तो उर्दू की शरण में जाना ही पड़ेगा, हिंदी में ईमानदार का पर्याय नहीं है। अब वाजपेयी जी का जवाब सुनो, हिंदी में ईमानदार शब्द तो है ही नहीं। वाजपेयी जी बोले बात तो आपकी ठीक है लेकिन हिंदी में तो बेईमान भी नहीं है। अब उसी समय अगर वाजपेयी जी जूता निकाल लेते तो ये होता है, आदमी की तैयारी कितनी है, वो भीतर से रिच ना कितना, उसके जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो कितना है।
2014 के पहले मैं नहीं समझता आजाद हिंदुस्तान में मनमोहन सिंह जी से ज्यादा मजाक किसी की उड़ी होगी, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। अब तो बहुत गुस्से में रहते हैं लोग बाग, कई तो मैं देखता हूं कि मंत्री तक इतने गुस्से में रहते हैं कि जिसको पीटने दौड़ते हैं उससे आगे निकल जाते हैं। है? ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी इमेज ऐसी बना दी, मैं क्या है कि मैं सत्ता व्यवस्था चाहे किसी की भी हो, मैंने कांग्रेस के खिलाफ बहुत लिखा, तो मैं सिस्टम से सत्ता से सवाल पूछता हूँ। जब विसंगतियाँ होती हैं उनको पकड़ करके थोड़ी मेरी तैयारी ठीक रहती है, अध्ययन अच्छा है, तो मैं बात अपनी ढंग से कह लेता हूँ। तो मेरी इमेज ऐसी बनाती जैसे मैं मोदी जी का विरोधी हूँ, जबकि मोदी जी ने तो हमको सामने बैठ करके अहमदाबाद कर्नावटी क्लब राजपथ क्लब में घंटों सामने बैठ करके सुना, वो कवियों के कविताओं के बड़े दीवाने हैं, कभी ऐसी कोई बात नहीं थी, खूब ठा के लगाए उन लोगों ने, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे मैं उन्हीं की विरोध कर रहा हूँ। मैं तो अगर सच में भी ये कह दूँ कि 2019 में मोदी जी विकास के दम पे दोबारा जीते हैं तो भक्त लोग जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ बोलते हुए। लेकिन मैं क्या होमवर्क नहीं लेता, मजाक में टाल देते हैं। और मुझे भी लोग कहते हैं कि साहब आपकी ट्रोलिंग होती होगी, धमकियां मिलती होंगी, मैं क्या मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता, छोटी मोटी बात होती है तो हम हंसी मजाक में, हम तमाम कवि अलग अलग विचारधारा के हैं, अभी सब सुना रहे थे, देखो हम कैसे एक दूसरे को दाद दे रहे थे, उनसे हो सकता है हम सहमत नहीं हो, मेरी बात से सहमत नहीं हो वो, लेकिन सुनो सबकी और आमने सामने में दिक्कत नहीं है। 2019 में जब चुनाव परिणाम आना शुरू हुए तो मेरे पास एक राजकोट से फ़ोन आया गुजराती बंधु का, बोले और सुनाओ क्या हालचाल है, मतलब मोदी जी जीत रहे हैं तुम इतना तंग वो व्यंग करते रहते हो उसके बावजूद, तो मैं सहज रहता हूँ, और सुनाओ क्या हालचाल है। मैंने कहा हालचाल ठीक है और सुनाने का पैसा लेते हैं। फिर उसने मुझे छेड़ा, बोले फिर जीत रहे हैं मोदी जी, मैं कहा अच्छा हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। तो होमवर्क नहीं लेना चाहिए, ऐसे हंस करके टाल दो, उसने भी हंस के मजे लिए। एक दिन तो सच में एक इनकम टैक्स के अधिकारी ने मुझे फ़ोन करके कहा, ऐसे मजाक में मेरे परिचित थे, बोले संपत सरल जी इतना तीखा बोलते हो सरकार के खिलाफ, किसी दिन छापा वापा वाले भिजवा देंगे। मैंने कहा साहब भिजवा दो, हिंदी के लेखक के घर में गबन के नाम पर प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा। और अगली जो बात मैंने कही मजा उसका लेना, मैंने कहा फिर भी ऊपर के दबाव में जबरदस्ती फंसाओगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। मतलब ये भाजपा ही जिसको भ्रष्ट अपराधी लालची कहते हैं वही अगर इनकी पार्टी में आ जाए तो उज्जवल हो उठता है, शायद यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है। तो जो बुनियादी चीजें हैं उधर ध्यान जाना चाहिए। एक रचना मैं आपको सुनाता हूं, एक आदर्श भारतीय गांव। लोग कहते हैं कि देश ने बड़ी तरक्की की, हम भी मानते हैं, लेकिन कीमत ज्यादा दे दी तरक्की की। एक्सप्रेस हाईवे से 5-7 किलोमीटर नीचे उतरो हिंदुस्तान आज भी वही है। 15 रुपए में पानी की बोतल मिलती है तो तरक्की नहीं है। प्रजातंत्र के गालों पर तमाचे हैं कि सरकारें 70 साल में देश की जनता को शुद्ध पानी नहीं पिला पाई। ऊपर से व्यवस्था का क्रूर मजाक और अरबों रुपये का आईपीएल उसी देश में खेला जाता है जिसमें करोड़ों बीपीएल बसते हैं। इस देश में समस्या प्रोडक्शन की नहीं है जीएम साहब, डिस्ट्रीब्यूशन की है। प्रोडक्शन की कोई समस्या नहीं है, वितरण की समस्या, उत्पादन की समस्या नहीं है। जब एक क्रिकेट में चौका लगाने वाले को आप 1 लाख रुपए देंगे तो वो मजदूर टूट जाएगा जो 8 घंटे मेहनत करने के बाद 500 रुपए कमाता है। दो चीजें हैं, बाजार और बाजारवाद। बाजार हर युग की जरूरत है, जब हम इतने सभ्य नहीं थे तब भी किसी शक्ल सूरत में बाजार रहा होगा। दोनों में अंतर यह है, बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। हथियार बना लिए अब लड़ाओ, वैक्सीन बना ली फैलाओ बीमारियां,
और तो छोड़ो आप क्या सोचेंगे, क्या विचारेंगे, आपके बच्चे क्या पढ़ेंगे, ये भी कोई और तय कर रहा है। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह इसलिए पाठ्यक्रम में नहीं लगने देते हैं कि अगर गांव में आज भी मेले भरेंगे, हामिद अगर दादी के लिए चिमटा आज भी मेले से खरीदेगा तो मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांडेड चिमटे ऑनलाइन कैसे बिकेंगे। समस्या वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, और खाली यही नहीं है, वैश्विक है। ट्रंप ने हारने के बावजूद पार्लियामेंट पर चढ़ाई कर दी, बोलसोनारो भी उसी रास्ते पर चला, नेतन्याहू के खिलाफ कैसे जन आंदोलन सड़कों पे है जनता, मैक्रो के खिलाफ कैसे हैं, और यहाँ सब भी वही सब कुछ होने की तैयारी सी लग रही है मुझे, हालांकि होगा नहीं क्योंकि ये देश आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज करता है। हाँ, यहाँ वैसी उठापटक नहीं होगी और इलाज बढ़िया करता है, टाइम लगता है लेकिन लंबा करता है, हमेशा के लिए करता है। पूरा फॉर्मेट आप पूरी दुनिया का देख लो, प्रजा को लगता है कि राजा का चुनाव वो करती है, जबकि असल में 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती हैं वो खिलौना चल पड़ता है। तब आप एक रचना सुने, एक आदर्श भारतीय गांव। गांव मैं समझता हूं आज भी वही है जैसा फणीश्वरनाथ रेणु ने मेला आंचल में चित्रित किए या श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी में चित्रित किए। गांव की जो चुनौतियां और संघर्ष हैं वो शहर से ज्यादा पेचीदा हैं। शहर और गांव में दो अंतर है, गांव में जातीय कट्टरता है और शहर में सांप्रदायिक विद्वेष। एक गांव के आदमी का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, वो बुरा नहीं मानता, शाम को मजाक करेंगे बुरा मानेंगे सुबह वैसा का वैसा। शहर का आदमी मजाक की गांठ बांध लेता है, जिंदगी भर नहीं भूलता है। वहीं से मैंने एक रचना निकाली, एक आदर्श भारतीय गांव। पहली पंक्ति से आप पकड़ना, पानी रख दो भैया जल्दी से, रात को 11 बजे भी सादा पानी बांट रहे। कोई नहीं, मजाक कर रहे। एक आदर्श भारतीय गांव, हमारे यहाँ तो क्या 8 बजे बंद हो जाती है, और सरकारें अगर अच्छा कर रहे हैं तो उनको अच्छा कहना भी चाहिए। 8 बजे बंद होने से क्या हुआ, राजस्थान के सारे शराबी पंचुअल हो गए। एक आदर्श भारतीय गांव, आज भी जो ये मानते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, मेरे ख्याल से उन्होंने गांव उतने ही देखे हैं जितनी की आत्मा। शहर में रह करके रूमानी चश्मे से गांव देखना अलग बात है, लेकिन गांव में जाकर के रहो तो आप 2 दिन से ज्यादा रह नहीं पाओगे। जिस आदर्श गांव का जिक्र मैं करने जा रहा हूं वह राजधानी से 85 किलोमीटर पश्चिम में है। क्योंकि रास्ते में एक शराब के कई ठेके पड़ते हैं, अतः यह दूरी घटती बढ़ती भी रहती है। हाँ। 2-3 लोग ताली बजा रहे हैं, आप भी रहने दो। नहीं, ऐसा लगता है ना पूरी भीड़ का लोड 2-3 लोगों पे आ गया हो। इधर कोई थोड़ा बोल रहे हैं, एक बार थोड़ा चुप हो जाओ, मैंने तो बोलने के पैसे लिए, ये क्यों बोल रहे हैं। कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था। पुराने गांव जो हैं वो सेठ जी ने, चौधरी ने, पटेल ने, ये सब लोग बसाते थे। कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था, जो कि निहायत ईमानदार और परोपकारी डाकू थे, क्योंकि निर्वाचित नहीं थे। हालांकि बाद में उन्होंने भी डाकू जीवन से VRS लेकर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी। उनके समझ में आ गया होगा कि एक डाकू को जिनके डकैती डालने जाना पड़ता है, चुनाव जीत लेने पर वे ही लोग घर बैठे दे जाते हैं। और आज की शाम आपके इस बेहतरीन कवि सम्मेलन जो लक्ष्मीकांत निर्भीक के संयोजन में यहाँ हुआ, इतने अच्छे कवि बुलाए, मेरा व्यंग आप तक पहुँच जाए तो मुझे तालियों से बताना, समझ जाए तो बताना, न समझे तो मेरी हिम्मत की दाद देना। असली समझ स्वच्छ भारत अभियान की कहाँ जरूरत है। यूं भी अपराध और राजनीति में महज वोटिंग का ही तो अंतर रह गया है समर्थन करना, यूं भी अपराध और राजनीति में महज वोटिंग का ही तो अंतर रह गया है। संसद पर जिन आतंकियों ने हमला किया था, सुरक्षा प्रहरियों ने उन्हें गोली मारने से पहले निश्चित ही कहा होगा, मानते हैं आप आतंकवादी हैं, बहुत बड़े अपराधी हैं, लेकिन चुनाव जीते बिना अंदर नहीं जाने देंगे।
आदर्श गांव में दसों दिशाएं, तीनों मौसम, 12 महीने और 7 वार सब होते हैं। बस एक तो गांव के उत्तर में किसी भी साइज का कोई हिमालय नहीं है और दूसरा गांव 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ नहीं है। गांव वालों का दावा है कि डाकू जालिम सिंह जी 2-4 दिन भी और जीवित रह लेते तो आज ये दोनों चीजें भी गांव में होती। गांव के लोग किफायती इस हद तक हैं कि किसी को मिस कॉल तक अपने फोन से नहीं मारते, और दरियादिल ऐसे कि मिस कॉल मारने के बाद फोन कर करके भी पूछते रहते हैं कि मिस कॉल मिला क्या। गांव में कुल 13 पर्यटक स्थल हैं, 3 शराब के ठेके, 1 मंदिर, 1 प्राइमरी स्कूल, 2 कुएं, 1 पुलिस चौकी तथा 5 शमशान घाट। ये गांव के टूरिस्ट पैलेस हैं। सरकारी ठेकों के बावजूद हस्तनिर्मित शराब को ही प्रायोरिटी दी जाती है ताकि ग्लोबलाइजेशन के इस भीषण दौर में भी स्वदेशीपन बना रहे। अधिकांश लोग शराब पीते हैं, कई नहीं भी पीते हैं। जो नहीं पीते हैं वे पीने वालों को समझाते बुझाते रहते हैं। उनके समझाए से जब पीने वाले नहीं समझते हैं तो दुखी होकर वे भी पीने लगते हैं। लोगों में सरकारी नौकरियों के प्रति बड़ा मोह है। सबका प्रयास रहता है कि काम ऐसा हो जिसमें काम न हो। जहां तक मेहनत मजदूरी का सवाल है, मेहनत करने वाले को मजदूरी नहीं मिलती और जिसे मजदूरी मिल जाती है वह मेहनत बंद कर देता है। सबके संबंध सबके आपसी संबंध गठबंधन सरकारों जैसे हैं, अर्थात स्वार्थ ही दो लोगों को जोड़ता है। और एक शब्द का आनंद लेना, उम्र का फासला भी रिश्तों में बाधक नहीं बनता। दिन में जो बेटे का क्लास फेलो होता है, शाम को वही बाप का ग्लास फेलो होता है। गांव में जब से हैंडपंप लगे हैं, दोनों कुएं शर्त लगाकर कूदने के काम आ रहे हैं। स्कूल उतनी ही देर चलता है जितनी देर मिड डे मील चलता है। पुलिस चौकी को लेकर मतभेद हैं कि अपराध बढ़ने से चौकी खुली है या चौकी खुलने से अपराध बढ़े हैं। और जो असली समस्या है गांव की, अब ध्यान दें आप, 5 शमशान घाटों से स्वतः सिद्ध है कि गांव में 5 जातियां रहती हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि मनुष्य के मरने के बाद भी उसकी जाति नहीं मर जाए। एक दफा कह जाते के लोगों ने अपना एक शव गफलत में खह जाति के शमशान में जला दिया। बात ऐसी बिगड़ी कि खह जाति वालों ने तुरंत अपना एक व्यक्ति मारा। और उसे कह जाति के शमशान में जलाकर बदला लिया। और तालियां तो आपकी अब उठेंगी। अंततः लोकल विधायक ने दोनों जातियों से 2-2 लोग मरवाकर उनके अपने अपने शमशानों में जलवाए, तब जाकर शांति हुई। एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। और साहब, किसी को भले बुरा लगे लेकिन मैं हर मंच पे कहता हूं कि जिस देश में शिक्षण संस्थाओं से ज्यादा धर्म स्थल होंगे वहां क्या अच्छे दिन आएंगे। एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। कथा है कि एक रात सपने में उन्हें एक साधु ने ताना मार दिया था कि मूर्ख, लूट का माल यो ही नहीं पचेगा, थोड़ा दान धर्म भी करना सीख। कहते हैं बात ऐसी चुभी कि डाकू जालिम सिंह जी ने अगली ही रात आसपास के कई मंदिरों को लूटा और उसी मेहनत की कमाई से इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। घरों में 2 चीजें सबके यहां फाइनेंसित हैं, मोटरसाइकिल और टेलीविजन। मोटरसाइकिल इसलिए कि गांव सड़क मार्ग से शहर जा सके, टेलीविजन इसलिए कि शहर आकाश मार्ग से गांव जा सके। टीवी ने तो ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति कर दी। कक्षा में मास्टर जी महाभारत के रचयिता का नाम पूछते हैं तो बच्चे BR चोपड़ा बताते हैं। अब गांव वालों का सेंस ऑफ ह्यूमर देखो, यही मोहब्बत बनी रहनी चाहिए गांव हो चाहे शहर हो।
जो हो गांव वालों में परिहास प्रति लाजवाब है। चरणदास जी हड़बड़ी में जरा छोटे जूते खरीद लाए, दुकानदार ने बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया क्योंकि दिन भर में एक ही बिका। लाचार चरणदास जी को ठांसे के जूते काट रहे हैं और वे लंगड़ाते हुए चल रहे हैं, रास्ते में टकरा गए इकबाल मियाँ, पूछ बैठे चरणदास जी ये जूते कहाँ से मार लाए, मतलब कितने के पड़े। अब इसका समापन देखना, फिर एक रचना और सुना दूंगा अगर आप इजाजत देंगे। पूछ बैठे चरणदास जी ये जूते कहाँ से मार लाए, मतलब कितने के पड़े। एक दो जूते काट रहे थे, ऊपर से इकबाल मियाँ की मार लाए और पड़े जैसी भाषा। चरणदास जी ने झल्ला कर कहा, पेड़ से तोड़े हैं। इकबाल मियाँ बोले, महाराज कच्चे तोड़ लिए।